थोड़ी ही देर में हम लोग भोपाल से निकल चुके हैं और झीलों के शहर भोपाल में, तो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ झीलों के शहर भोपाल में। लगता है मुझे भोपाल में काफी झील है, और बहुत लोगों का कमेंट भी आया है कि भैया आप लोग भोपाल में कहाँ पे रुके हुए, किस जगह पे रुके हुए, प्लीज आप बताइए, हम लोग आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो भोपाल में हम लोग एक होटल में, स्टेशन के पास ही होटल था, वहाँ थोड़ी देर रुके थे, और वहाँ से नहा वहा के स्नान करके हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठ कर अब निकल चुके हैं सीहोर के लिए। तो अभी सीहोर में जिसको मिलना हो फटाफट सीहोर पहुँच जाइए भोले बाबा का दर्शन के लिए। हम लोगों से भी मिलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं, न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। तो मेरे फ़ोन का बैटरी भी लो हो चुका है, तो चार्जिंग में लगा देते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं कुबेश्वर धाम। बाबा भोलेनाथ देखिए वो सामने बैठे हैं, प्रदीप मिश्रा वो बैठे हैं लेकिन सामने भोले बाबा, सब लोग खुश हो गए सामने बैठे, जहाँ पे उनका आश्रम है वो देखिए सामने मंदिर बन रहा है, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर में वो बैठे महादेव देव सामने, और देख के ही सबके चेहरे मुस्कुराहट आ गई। वो बैठे देखो सामने बाबा। तो फाइनली हम लोग सब पहुंच चुके हैं महादेव की नगरी कुबेश्वर धाम में, श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, और उनका बुलावा आ ही गया था, हम लोग नए साल पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सर्दी का भी सीजन है, जाम हो रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं सब लोग धीरे 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 धीरे। ऋषभ आ जाओ बेटा, ऋषभ बेटा, ऋषभ छोर आ देखो, भाई सबका कैसे कैसे मूड बना, कोई कह रहा जाएंगे, कोई कह रहा कैंसिल हो जाएगा, कोई कह रहा होटल में रुकेंगे। मैं तो नहीं कही थी, मैं तो बोली दर्शन करके ही जाऊंगी, मुझे विश्वास है। गाड़ी से बोल रहा था किधर ही जाओगी, मैं रहने दो मुझे कहेंगे वो तो गाड़ी, मैं गाड़ी के वो देखो किसका दस्ताना गिरा, लड्डू का गोपलवा का, इनका देखो एकदम पिकनिक मनाने आए। रही है, मैं लगू ना करे छोड़ो सीहोर वाले महाराज के पास। तो भीड़ भाड़ देख सकते हैं, काफी गाड़ी है यहाँ पे, वो मंदिर आपको दिख रहा होगा सामने बन रहा है। तो गाड़ी हमारी पीछे ही खड़ी हो गई और हम लोग वहाँ से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि आगे गाड़ी का जाम भी लग सकता है, तो पहले ही खड़ा रहेगा सही रहेगा, थोड़ा दूर पैदल भी चल लेंगे और दिखाते हैं आप लोगों को प्रदीप मिश्रा सीहोर जी वाले जो महाराज हैं कुबेश्वर धाम MP, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, मंदिर के भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं पीछे सब लोग पैदल धीरे धीरे चल के आ रहे हैं, जूता चप्पल हम लोगों ने कार में ही उतार दिया है। तो ये पार्किंग है, वहाँ पे पहले रुद्राक्ष लेना पड़ेगा, पूजा कर लो, नहीं रुद्राक्ष ले लो मैं कह रही हूँ, ले लो पहले टाइम हो जाएगा फिर, हाँ पहले रुद्राक्ष ले लो भाई, हो सकता मुझे भी लगा दो, मुझे भी क्या बेकार कर लीजिए, सही लगा दीजिए तो अरे तो क्या हुआ ले लो, अरे एक ही लोग लगाओ, सब लोग पकड़ के अलग अलग लगाओ। गंगा जी गई है जल चढ़ाने के लिए, हाँ हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु भोले बाबा मन की मुरादें सबको पूरी करो, हे कुबेश्वर बाबा, हे महादेव, देवों के देव आदि देव महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया दर्शन हुए बाबा के,
बहुत ही अच्छी है और शांति पूर्वक दर्शन हुआ। इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग तो सोचे थे आज दर्शन ही नहीं हो पाएगा, घर भी नहीं जा पाएगा। करिश्मा कर दिया साहब, हमें खींच के लेके ही आए। परीक्षा लेना ले हमारी, कह रहे थे परीक्षा लेते हैं, देखते हैं तुम लोग कैसे सफल होते हो। सारी परीक्षाओं में हम लोग पास हो गए हैं। बाबा आशीर्वाद देते रहे तो और भी पास होते। अब कंकड़ कंकड़ पर चल के आए हैं और ये भी देखो एक परीक्षा है। तो यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने भी भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई गलती हो भोले बाबा क्षमा करना, हम लोगों को माफ करना। अब आए भोपाल और हम लोग से ना मिले ऐसा हो सकता है? कोई बात नहीं, भोले बाबा मिलाने वाले हैं ना महादेव। अब नेक्स्ट टाइम पक्का आप लोग जब भी आप आओ ना तो टाइम लेके आना। बिल्कुल एक दिन का टाइम लेके आओ भोपाल में। अब आएंगे तो उज्जैन महाकालेश्वर, महाकाल हम घुमाएंगे। आप आओ बिल्कुल। एमपी आ रहे हो, हमारे शहर आ रहे हो, हम नहीं घुमाए ऐसा होता? हमारे शहर आए हमसे ना मिले तो ये कोई बात नहीं। इसलिए मैं स्पेशली आपके सामने बोल रहा हूँ, अगली बार आप आओ ना तो सब लोग टाइम लेके आओ बकायदा। हाँ। एक दिन का टाइम लेके आना आप। हाँ। तो पूरा भोपाल भोपाल भैया हमको भी थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका दो। अरे कोई बात नहीं, आप तो अपने हैं, मेहमान नवाजी का क्या मौका देना। चलिए अपने हो तो मेहमान नवाजी का क्या मौका देना। मैं तो कह रहा हूँ आप लेट हो गए, लेकिन आपको गणेश मंदिर लिया। कोई बात नहीं, हम लोग तो सोच रहे थे यहाँ भी दर्शन नहीं हो पाएगा, जिस हिसाब से हम लोग पड़ गए थे। बोल रहे की काफी तोड़ फोड़ हो रही, गाड़ियां नहीं चल रही है, वो दुनिया भर का बहुत लोगों ने अफवाह फैला दिया था। तो भोले बाबा जो उनके मन की कोई न जाने, सब उन्होंने ही कर दिया। तो भोले बाबा ने पहुंचाया, तो मिलते हैं थोड़ी देर। मिलते हैं ठीक है भैया, बाय बाय जी, मिलते ना। श्री शिवाय नमस्ते। ऋषभ ऋषभ पीछे भैया लोग से भी मिल लेते हैं। भैया लोग श्री शिवाय नमस्ते। और भैया कैसे हो आप? जा रहे हो सचिन भैया के? चलिए वही मुलाकात होगी। आप भी आ रहे हैं? हाँ सब लोग आएंगे, वहाँ तो जरूर जाना है। बुलावा है उनका भी, यहाँ महादेव, यहाँ महादेव का बुलावा है, वहाँ सचिन मनीषा का बुलावा। और भैया सब बढ़िया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ आए सब लोगों से मुलाकात हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे सब लोग मिल ही रहे हैं, देख सकते हैं। नक्श लेके आ गए, यहाँ पे सबको प्रसाद बांट रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर तो किस चीज का बनता है ये? बेसन, बेसन से। तो सब लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, दर्शन होने के बाद सब लोग तोड़ दो इसे, तोड़ दो। मैं भी मांग रही हूँ बेटी के लिए। जाओ फिर आप लोग जाओ, सबरे नहीं बच्चे लेके जाओ, जाओ आप जाओ। तोड़ सकता है? चल रहा है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी को प्यार देते रहिएगा। और हम लोगों का बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है, और मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाय बाय।